क्या है डिफॉल्ट वेल? आप आए दिन सुनते होंगे कि उसको डिफॉल्ट वेल मिल गया, लेकिन है क्या डिफॉल्ट वेल? तो फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन, डिफॉल्ट वेल इज नोवेयर हैज बीन डिफाइंड अंडर सीआरपीसी, कहीं पर भी उसको डिफाइन नहीं किया गया। नाउ क्वेश्चन इज दिस, कैसे पहचानोगे कि भाई ये डिफॉल्ट वेल है? तो सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 167 में इसका प्रोविजन दिया गया है और बताया गया है कि अगर 24 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है कि एक्यूज को पुलिस कस्टडी में दे सकता है, जो ओवरऑल 15 डेज की हो सकती है, ठीक है। और 15 डेज में भी अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तो 15 डेज के बाद जो कस्टडी होगी वो जुडिशियल कस्टडी कहलाएगी। और अगर एक्यूज जुडिशियल कस्टडी में है और ऑफेंस ऐसा है जिसका पनिशमेंट 10 ईयर से ऊपर है और वो कस्टडी में 90 डेज हो गए उसको, साथ ही साथ अगर ऑफेंस ऐसा है जिसका पनिशमेंट 10 ईयर से बिलो है और कस्टडी में रहते हुए उसको 60 डेज हो गए और इधर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ, तो 60 डेज या 90 डेज जैसी भी कंडीशन हो, अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है देन एक्यूज को एक राइट मिलता है जिसको कहा जाता है डिफॉल्ट बेल, और वहां पर उसको बेल पर छोड़ा जाना न्याय संगत में आवश्यक होता है। धन्यवाद।